अल्मोड़ा वासियों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छी खबर है। यहाँ जल्द ही बेस अस्पताल में डायलिसिस के मरीजों का उपचार संभव हो पाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने अमल करते हुए बेस अस्पताल अल्मोड़ा में बंद पड़े डायलिसिस सेंटर को एक बार फिर से शुरू करने की कवायद कर दी है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पहुंचे कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक आर के पांडे ने बेस अस्पताल में पहुंचकर डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रखी मशीनों की स्थिति भी जानकारी ली और जल्द ही इस डायलिसिस सेंटर को शुरू किए जाने के निर्देश दिए। अच्छा, डायरेक्टर साहब का आने का मेन मकसद आज ये था कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि हमारे बेस अस्पताल में जो डायलिसिस यूनिट है उसको तुरंत सुचारू किया जाए, क्योंकि लंबे समय से वो खाली पड़ी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा था उसमें, तो उसी के निरीक्षण के लिए आए थे। उसमें उन्होंने जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया उसमें ये तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ से अभी डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, एक तो डॉक्टर गए हैं ट्रेनिंग के लिए एक महीने की, और दो स्टाफ नर्स ट्रेनिंग के लिए गई हैं। डायलिसिस के लिए जो हमारी पहले से मशीनें थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है, वो कार्यशील नहीं रही इस बीच, तो उसके लिए हमारे पास दो मशीनें आनी हैं देहरादून से, और बहुत जल्दी आ जाएंगी वो लोग, उसके लिए परमिशन हो गई है। बस एक महीने के लिए हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए गए हैं, अभी दो तीन दिन हुए हैं, अगस्त लास्ट वीक से ये हमारे यहाँ डायलिसिस शुरू हो जानी चाहिए। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।